वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिना सैलरी का आपका नौकर सद्दाम सानी हूं, क्या आप जानते हो मुझे? नहीं, नौकर को नहीं जानती, बट टिकटॉक स्टार सद्दाम सानी को जरूर जानती हूँ। नहीं, वो लोगों के लिए स्टार है, आपके लिए तो नौकर है, क्योंकि आपको फोन करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपका वेट करेगा, और आप मुझे कहाँ तो मेरा बहुत, वेट करते हो? आप मेरा कहाँ वेट करते हो? आप तो बहुत लोगों का वेट आपका करते पता नहीं चलता है हमको कि आप किस टाइम आते हो, किस टाइम आप सोती हो, किस टाइम खाना खाती हो। नहीं, सुनो सुनो, मैं तो रेडी थी 10 बजे लाइव आने के लिए, फिर मैंने ऐसे तुम्हारा ऐसे टक करके लाइव ओपन किया, फिर मैंने देखा, ओ माय गॉड, इधर तो फ्लड चल रहा है, चलो सो जाओ, बंद करके मैं सो गई। फिर मैं अभी उठी, फिर मेरा दिल नहीं करता ना, दिल से वो आवाज़ नहीं आती कि अनुज जा लाइव बैठ, वो दिल से आवाज़ आनी चाहिए, वो ऐसे देख के कुछ अजीब सा दिख जाता है, फिर बंद, सो गई। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं इतना जाना। आपका अच्छा आवाज नहीं, गाना लगाओ गाइस, मेरा जबरदस्त जो सनम अनुजा है, जी, राइट, थैंक यू यार, थैंक यू। तुम ही लोग स्कोर होते हो देखो। जो मेरे को स्ट्रेंथ देते हो। मुझे क्या स्कोर दिखाता है? बाहर तो 5-6 हज़ार पे अटक जाता है, तो मेरे को क्या दिखाता है? मैं थोड़ी थोड़ी तेरी अपोनेंट हूँ, जिनको दिखाना चाहिए उनको दिखा, मेरे को क्या दिखाएगा स्कोर? मेरे साथ तो तू 6 महीना प्ले कर रहा है, मेरे लिए तो नॉर्मल है गाइस। डबल टैप, रासल को टिकटॉक ट्रॉफी मिले आज, पता है मुझे? नेट जबार, नेट अटक गया, ओए अटक गया, अटक गई। मैं नहीं अटक गई, तू अटक गया, तेरा नेट जबार है नुजा, है अच्छा गाने लगा। हाँ मैं थोड़ा थोड़ा पश्तो तो सीख गई हूँ गाइस, जबार, थोड़ा थोड़ा आता है मेरे को बोलना। यार इसका नेट प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? मियान थैंक यू मियान, नेट सही करना। अरमानी वेलकम अरमानी। गाइस सारे डबल टैप करे यार, हेलो क्या हो रहा है गाइस? कोई गिफ्टिंग ना करे यार, उधर नेट खराब है। अफरीदी बॉस वेलकम, मियां थैंक यू। सद्दाम को बोल न्यू सॉन्ग प्ले, विच न्यू सॉन्ग? अरमानी थैंक यू सो मच फॉर फ्लावर, थैंक यू मियान, थैंक यू मियान। अरे अहमद जाए, थैंक यू अहमद जाए। गाइस डबल टैप करे गाइस, एवरीवन डबल टैप, सारे लोग डबल टैप करो। अनुज आपका न्यू सॉन्ग है मेरा। ये प्यार तो एक गाइस जबरदस्त धोखा। यार, एक बात पूछूं, तेरा नेट सही है? हाँ
अभी सही है। मैं एक बात पूछूं, मैं ना एक बात पूछना चाहती हूँ कि लोग मेरे को गिफ्टिंग करते तो क्यों प्रॉब्लम होती है? किसको? मतलब समझ जा जो तेरे कमेंट्स में लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, अभी मेरे को सपोर्ट हो रही है, मैं लाइव नहीं आना चाहती। क्यों? क्योंकि तो मेरे गिफ्ट सपोर्टर्स की फ़ोटो लगा के माँ बहन की गालियाँ दे रहे, पता है। मैं लिटरली, मेरे को फीलिंग आ रही है कि यार मैं ब्रॉड बंद कर देना चाहती हूँ, पता है। जो बंदा मेरे को सपोर्ट करता है उसकी फ़ोटो चढ़ा के डायरेक्ट गालियाँ मेरे को भी दे रहे, मेरे गिफ्टर छोटे मोटे गिफ्टर जो फ्लावर भी बेचते हैं उनको भी फ़ोटो चढ़ा के दे रहे। तो मेरे साथ ही क्यों ऐसा? टिकटॉक पे इतनी लड़की है, इतनी सारी लड़की है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही बुरा क्यों चाहते हैं लोग? मतलब मैंने किसका क्या बिगाड़ है? टिकटॉक पे पूरा जमाना है, इधर बैठा यही है तो हम सोच रहे हैं कि मेरे में क्या बुराई है। ना मैं किसी के घर पे गई, ना मैंने किसी कभी किसी को गाली दी, ना मेरा किसी के साथ कोई पंगा है, ना मैंने कभी किसी को कुछ बोला, ठीक है। तो मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम? मतलब मैं यही तो हम सोच कितना, रहे हैं ना। और मैं झूठ नहीं बोलती, लिटरली मेरे को इनबॉक्स में आता है यार कि यार तेरे को सपोर्ट करके गाली मिल रही है। और वो वीडियो वाला, मतलब इतने साइको लोग की लाइक ब्लैकमेल करते हैं यार। ब्लैकमेलिंग चालू है अभी फिलहाल तो, मेरे को ब्लैकमेलिंग करके ये अपना लोग सब कुछ कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से मेरे को हैरास कर रहे हैं ये लोग। ये तो गलत है। तो एक लड़की को देख के इतना हैरेसमेंट क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर बंदा है तो मर्द बनना भाई, तू लड़की के साथ हैरेस क्यों कर रहा है? मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। जिसका नस्ल हराम वही लोग ऐसे करते हैं। यस देख, मैं तो ना किसी को बोलता हूँ, ना मैंने किसी को बोला है। ओके, ना मैं, अगर तुम्हें कोई गिफ्टिंग करे और तुम्हें पता भी है जितने भी लोग हैं, ओके, गिफ्टिंग नहीं अभी कर रहे हैं। देखो, मैंने तुम्हें अभी, मैं थोड़ा 1-2 घंटा सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है और मेरा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है मेरे को अभी से, तुझे भी पता है 1 महीने से ये है मेरे को इधर। बट मैं ये बोलती हूँ, मैंने अभी 10 बजे में लाइव आने वाली थी तो मैंने ये देखा था कि तू प्ले कर रहा है, मैं आने वाली थी बट मैंने बोला चलो यार मैं आराम करती हूँ, मेरे को थोड़ा फील नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो फिर मैं दूसरे दफ़ा में आई, तूने डॉक्टर आलिया के साथ मैच लगाया, मैंने देखा वो जीती तुमसे, तो सारे लोग गुस्सा हो गए कि छोटा ब्रॉडकास्टर तुमसे जीता। यार इधर छोटा बड़ा नहीं होता, ये टिकटॉक की लाइव है, इधर दुनिया चंद भर में मैं कैसे चेंज हो सकती है ना। ये इधर कोई छोटा मोटा नहीं होता, ठीक है, सारे बराबर है। कोई छोटा कभी बड़ा हो सकता है, बड़ा भी कभी छोटा हो सकता है, 550 सबको पॉइंट सबको इज्जत देनी चाहिए। सही बात है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरे पांच सौ को पचास बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार, अगर एक बंदी इतने महीनों से खेल रही है तेरे साथ, वो तेरे साथ जीत ही नहीं रही है, अगर पहली बार जीती है तो मसला क्या है? तो ये भी हजम नहीं होता, मैं ये चेक कर रही हूँ। मैं तेरे से कुछ उसने कहा बात दिला कह रही मुंडा हूँ, और कहा कामरान तेरे को गिफ्टिंग कर रहे हैं मुझे पता है, बट तेरे साथ मैं इंपॉर्टेंट कुछ बात कर रही हूँ, ऐसे बातों पे ध्यान दिया कर, ठीक है। जब मैं तेरे साथ कुछ बातें करती तू ध्यान नहीं देता तेरे साथ मेरे को, मैं तेरे साथ मैच खेल रही हूँ कि मैं लोगों को बोल रही हूँ डबल 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 बोल रही हूँ मैं। उसने कहा मैंने कभी आपसे मैच नहीं जीता। उसने मेरा 8 का विन स्ट्रिक तोड़ा। उसने बोला सदाम भाई मुझे पता नहीं। मैंने कहा होता है ये मैच है। हाँ तो फिर यही बात है कि यार सबको, सब अगर अपनी मेहनत से आगे जा रहे तो इसमें बुरा क्या है? हाँ अपनी मेहनत है ना यार सबकी, कौन किससे क्या जीत रहा है यार, ये मैच है, इधर कोई हारेगा कोई जीतेगा। और फिर बोलते हैं, मैंने ये भी कमेंट पे पढ़ा कि यार अनुजा को गिफ्टिंग करते हैं, सद्दाम सानी को कोई गिफ्टिंग नहीं करता ये वो। अरे तो सद्दाम सानी को भी गिफ्टिंग करते हैं लोग, सद्दाम को भी करते हैं, मेरे को भी करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे को गिफ्टिंग करने से कितने लोगों को प्रॉब्लम है पता है, और ये रियलिटी है, दिखता है, दिखता है सीधा। मेरे को फील होता है कि यार मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है लोगों के, मतलब अंदर मेरे लिए क्यों नफरत है? टिकटॉक पे हजारों लड़कियां हैं, हजारों लड़कियां, मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है कि
मैंने किसका क्या बुरा किया, तेरे बारे में कुछ बोला, बुरा बोला या कुछ किया, कुछ भी नहीं। मैं आती हूँ अपना गेम प्ले करती हूँ, लोगों को एंटरटेन करती हूँ, इसमें मेरी गलती है। मैं अनथैंक यू, मेरे को क्या है? मैं जैसे तेरे साथ खेलती हूँ, मैं बाकी लोगों के साथ भी प्ले कर सकती हूँ। अरे मैं बोलती हूँ ये मर्द के बच्चे सामने आ जाओ ना जरा, मतलब कमेंट सेक्शन में बकवास करना, वीडियो चढ़ाना, ये करना वो करना, अगर इतना ही दम में इधर आ जाओ दुबई में, दिखाती हूँ मैं फिर कानून क्या होता है। एक लड़की को देख के ऐसे इतना हैरेसमेंट करते हैं, हाँ कॉपी पेस्ट के अलावा इनको आता नहीं है। एक कमेंट बुरा आया बस वही पकड़ा और फिर कॉपी पेस्ट करना चालू कर दिया। कैमरा ना सिद्धू पूरा नहीं हुआ जुड़ा तुम्हें गाइस गाली मत दो, ऐसे मत बोलो, गाली मत दो। भाई। एक्चुअली सपोर्ट देख, सपोर्ट एक्चुअली हेटर्स वांट टू सपोर्ट रिप्लेस यू। अरे देखो अफसर नवाज, मुझे ना। वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरी रिप्लेसमेंट कोई और लड़की ले रही है वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको मैं क्या 1 महीना चली जाऊंगी, कोई आज लड़की और आ जाएगा, हो आज जाओ मैं हूँ कल कोई और है, ठीक है। रिप्लेसमेंट का कोई चक्कर नहीं है, बस ये है कि यार इतना क्यों हेट किसी लड़की के लिए? किसका मैंने क्या बिगाड़ा है भाई, किसका घर का मैंने कुछ खाया है क्या मेरे लिए इतना हेट करते? पता नहीं ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया एक तरफ, अनुजा एक तरफ, दे जस्ट मेक माई लाइफ लाइक हेल। हाँ अरमानी तुम्हें उधर फूल भेज रहा है, अरमानी का तूने एक बार नाम तक नहीं लिया, जो बंदा तेरे को सपोर्ट करता है। अजीज खान थैंक यू अब्बास जी, थैंक यू सो मच अब्बास, थैंक यू अब्बास, थैंक यू सो मच। अंजा, मैं इतना सबर करता हूँ तुम्हें पता है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता नहीं हूँ। सबको सब कुछ और जब बर्दाश्त नहीं, मेरा अभी जी अभी तू आया लाइव, चल मैं तेरे को एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैच स्टार्ट मत कर, क्यों? क्योंकि जब मैच स्टार्ट करता है तू डबल ट्रिपल सिपल बोलना स्टार्ट करता है। रुक, एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। जब तू लाइव आता है, तू अगर किसी और लड़की के साथ बैठ रहा है, सही बात है, जब तू किसी और लड़की के साथ बैठता है तब तू बातें करना स्टार्ट कर देता है। जब तू कोई बात छेड़ता है लड़की के साथ, हाँ मैं आपका वेट करता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ, ये जब तू फ्लर्ट करता है तब तेरे लोग तेरे को ओके ओके गुड वाह मजा आ रहा है एंजॉय, तू बोल रहा है वाह मुझे भी मजा आ रहा है, तेरे लोग भी वाह मुझे भी मजा आ रहा है। तो मैं भी लड़की हूँ, अगर मेरे साथ कोई ऐसा फ्लर्ट करे तो मेरे इधर क्यों माँ बहन की गालियाँ लिख रहे भाई? मतलब तू हर जगह घूम सकता है, तू हर जगह कुंडा डाल सकता है, तो मेरे लिए क्यों प्रॉब्लम है? मैं भी एक ब्रॉडकास्टर हूँ, मेरे साथ भी कोई भी फ्लर्ट कर सकता है, यार, मैंने तो नहीं बात मैंने तो नहीं बात मैंने बताया लोगों को। ठीक है। और फिर तू ऐसी बातें जो करता है, मेरे को तेरी बातों से टेंशन नहीं है, तू किसी लड़की को घर पे लेकर जा, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है? तू किसी और लड़की से प्यार कर, तू उसको लेकर जा सीधा, मसला नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करते? कुछ गलत बोल रही तो तू बता, मैंने पूरा लाइव देखा, 10 बजे मैं रेडी हो गई थी, लिटरली मैंने हेयर स्टाइल वगैरह बनाया था, सारे क्लिप्स वगैरह निकाल के मैं सो गई। मैंने बोला वाओ इधर अगर मजा आ रहा है मैं जाने का फायदा ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? अगर ऑलरेडी तुम लोगों को मजा आ रहा है तो मेरा आने का कोई फायदा नहीं है, मैं लेट जाऊंगी अपना आराम से। पहले मैं 12 बजे 11:30 अपने मर्जी से लाइव आती थी, एंजॉय कर रहे हो एंजॉय करो, मसला ये नहीं है। बट फिर मैंने दूसरी बार देखा डॉक्टर आलिया के साथ खेलते हुए, मेरे को सारे गालियां दे रहे, क्यों?